वाशिंगटन से मिलने रूस वाले से। जरा आप ये जरा देखें कि उसके सामने ये जब मिलने जाते तो क्या होता है। News from overseas, the prime. देख रहे थे। अब आपको मतलब समझ आ गया कि कॉम्पिटेंसी कैसे हैं। पुतिन के सामने ऐसे बैठा है जैसे हेडमास्टर के सामने बेचारा स्कूल का बच्चा बैठा हुआ है। और ये होता है पाकिस्तानियों, जब एक बैरून मुल्क के साजिश के तहत एक आदमी को जिसको सजा होनी थी, इसको और इसके बेटे को FIA केस के अंदर 16 अरब रुपए की जो चोरी पकड़ी गई थी, इसको सजा होनी थी, बजाय सजा होने के बचाया गया इसे और इसको ऊपर बिठा दिया। और इससे आज पाकिस्तान को उधर पहुंचाया जिधर ये खुद अमेरिका में कह रहा है कि अब हम अपने कर्जे वापस नहीं कर सकेंगे। वो जो भी इंटरव्यू दे रहा था कि हमारी मदद करो, हम अपने कर्जे वापस नहीं कर सकते, तो कौन सी क्यामत आई थी 6 महीने पहले। ये पाकिस्तान की जो हर साल शाया होती है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, जो इन्होंने इस हुकूमत ने शाया की, कराची गौर से सुनो आप शऊर वाले लोग हो, इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक तरक्की कर रही थी, उस 17 साल के बाद बेहतरीन परफॉर्मेंस थी, 5.7% और 6%। ये 17 साल के बाद हमारी इकोनॉमी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही थी, वर्ल्ड बैंक के मुताबिक सारे बर्रे शरीर में सबसे ज्यादा रोजगार जिस मुल्क में था कोरोना के बाद वो पाकिस्तान में था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द इकोनॉमिस्ट, दुनिया के इदारों ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान वो 3 मुल्कों में था जिसने सबसे बेहतरीन तरीके से कोरोना से अपने लोगों को भी बचाया, अपनी मायशत को भी बचाया, अपने गरीबों को बचाया। ये इंटरनेशनली माना कि पाकिस्तान का जो एहसास का प्रोग्राम था जिसमें हमने अपने गरीबों को कोरोना की लॉकडाउन की तबाही से बचाया, ये दुनिया ने माना। तो मैं फिर से सवाल पूछता हूँ कि ये साजिश जिन्होंने करके इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया था, तारीख आपको नहीं भूलेगी।